हे गाइस, कैसे आप सब। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का जो मैसेज आता है उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी रोम इंस्टॉल करते हैं तो रिबूट सिस्टम हो जाने के बाद यहां पर ऐसा मैसेज आ जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। सबसे पहले आपको मैं इसका रीजन बता देता हूँ कि आपका जो भी रिकवरी है वो फोर्स इंक्रिप्शन जो है वो सपोर्ट नहीं करता, इसकी वजह से ये सब जो है हो जाता है। और शायद आपका जो सिस्टम है यानी कि रोम है उसमें ऑलरेडी रूट होता है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिबूट टू रिकवरी कर देना है। तो अगर दोस्तों आपके पास दूसरी रिकवरी है जैसे कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आपके पास अवेलेबल है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए और रोम उससे इंस्टॉल कीजिए, तो भी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। पर मैं आपको सिंपल सी मेथड बता देता हूँ। आपको सिंपली जो मैजिक एस्क का रूट फाइल आती है उसको डाउनलोड कर लेना है और रोम की जो फाइल है उसके ऊपर इसको फ्लैश कर देना है। तो इसको हम सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको रिबूट सिस्टम कर देना है, तो आपका जो सिस्टम है वो ठीक तरह से वर्क करने लगेगा, आपका जो मैसेज है वो चला जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे आपको ये सब करना है। तो जैसे ही ये रूट इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना रहेगा। अगर यहाँ पर आप लेटेस्ट रूट यूज़ नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अभी आपको रिबूट सिस्टम कर देना है यहाँ से। तो जैसे ही आपका मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट होगा तो ये दो बार रिस्टार्ट होगा, यानी कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है, एमआई का मोबाइल है, उस पर आप कोई भी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर आप दूसरे मोबाइल पर कोई भी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल है वो दो बार रिस्टार्ट होगा। आपको कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल है उसको साइड में रख देना है, ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल है वो भी दूसरी बार रिस्टार्ट हो गया है। अभी आपको थोड़ी देर तक वेट कर लेना है, यहाँ पर बूट एनिमेशन वगैरह आ जाएगा और आपकी जो सिस्टम है रोम है वो ठीक तरह से बूट होने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद यानी कि 10 से 15 सेकंड के बाद यहाँ पर बूट एनिमेशन आ गया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।